अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अब अनस्टिच। ये भी डी सेवन है क्योंकि इसकी मुझे ज़्यादा डिमांड थी, तो ये अनस्टिच में दिखाऊंगी। पहले मैंने सिले हुए दिखाए हैं तो वो मेरे ख़त्म हो गए। ठीक है, स्टिच कपड़ों के लिए प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिए कि वो ख़त्म हो गए। ये अनस्टिच है, ये है डी सेवन। आई होप कि आपको सही से नज़र आ जाए। ये है ब्लैक कलर में सूट है, ये डी सेवन। ये लिनन का इसका ट्राउज़र है, ठीक है, और ये इसकी शर्ट है गोल्डन जरी इसमें बनी हुई है। ये बड़ा खूबसूरत है। ये इसका बैक और इसके स्लीव्स का कपड़ा है, ये बैक और स्लीव्स हैं, और ये इसकी फ्रंट है। ये इसकी फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट पे ये बॉर्डर बना हुआ है, ये इसकी फ्रंट है, और ये इसके बाजुओं के आगे ये लगता है पैच पीस, जैसे कि इसके बाजू पे लगा हुआ है, ठीक है, ये बाजू में पैच लगता है, ये बाजू का पैच है, और ये भी बाजू के ऊपर लगता है, ये बाजू का पैच है, ठीक है, और गिंजा पे है, ये भी बाजू का पैच है, और ये फ्रंट एंड बैक की दामन की पट्टी है, ये वेलवेट के ऊपर तिल्ले की कढ़ाई की, ये फ्रंट और दामन की ये पट्टी है, और ये इसका प्लची वेलवेट का इसका जो है बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा सा इसका ये प्लची वेलवेट का इसका दुपट्टा है, और ये वेलवेट की पट्टी जो है ये पूरे दुपट्टे को जो है लगती है, ये ठीक है, ये पट्टी काट के ये तिल्ले की बनी हुई है वेलवेट के ऊपर, ये पूरे दुपट्टे को लगती है। ये है डी सेवन। और ये है डी सिक्स, ये भी अनस्टिच है। ये है डी सेवन, ये इसका ट्राउजर है लिनन पे, ये बड़ा खूबसूरत इसका गरारा दिखाया हुआ है, गरारा शरारा, लेकिन इसका भी बन सकता है, अगर कोई गरारा शरारा इसका बनाना चाहे तो उन्होंने कपड़ा इतना दिया हुआ है कि इसका बन सकता है जी। ये उन्होंने कपड़ा ज़्यादा दिया हुआ है मारिया बी ने, तो इसका शरारा गरारा जो है जो भी है बनाना चाहे कोई बन सकता है, सीधी शलवार बनाना चाहे वो तो फर्शो बन सकती है, तो इसका ये बन सकता है, ठीक है। और ये है इसकी शर्ट का प्लम सा कलर है, ये शर्ट का फ्रंट है, ये दामन पे आता है, और ये इसका गला है, ठीक है, और ये इसके दामन का जो है बैक और फ्रंट का दामन का पैच है वेलवेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये एम्ब्रॉयडरी करके नहीं लगाना, ये सीधी सिलाई में लगता है, ये सीना आसान है, अगर कोई घर में खुद सीना चाहे तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि इसको एम्ब्रॉयडरी करके लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं है, यहाँ सिलाई लगती है यहाँ सिलाई लगती है, ये दोनों पैच हैं दामन आगे और पीछे के। और ये इसके बाजू हैं और बैक है जी, ये इसकी बैक है, ये बैक में आता है ये मोटिव, ये बड़ा प्यारा सा बना हुआ है डिजाइन, और ये इसके बड़े खूबसूरत से स्लीव्स हैं, ये लीलन पे है और ये प्लम कलर में, और ये प्लची वेलवेट का इसका दुपट्टा है, ये भी बहुत प्यारा सूट है ये, हाँ जी प्लची वेलवेट का इसका दुपट्टा है, और ये पूरे दुपट्टे को ये पट्टियाँ काट के ये पट्टी काट के वेलवेट के ऊपर है, ये पूरे दुपट्टे को ये लगती है, ठीक है, मैं नंबर टाइटल में डाल दूंगी तो आप जल्दी से ऑर्डर करिए। ये अनस्टिच भी मेरे पास हैं,
ये कलियां भी अलग से दी हुई है, किसी ने ये शर्ट का दामन उन्होंने दिया हुआ है फ्रंट का, ये इनफ है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कलियां लगानी हो तो उन्होंने एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये दिया हुआ है, अगर किसी ने बड़ी शर्ट बनानी हो तो कोई टेंशन नहीं है, बन सकती है। ये भी अनस्टिच है, ये भी अनस्टिच है, D12। ये है D12, और ये इसकी जो है वूल की, इसकी बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी ये इसकी वूल की शॉल है, ये देखिए शॉल जो है वो फिनिश है, इसका कुछ नहीं करना, ये तैयार है बिल्कुल, ये देखिए ये इसकी ब्लैक ग्रे में शॉल है, और ये बॉटल ग्रीन में है, ये इसका लिनन का ट्राउजर है, ठीक है, और ये इसकी शर्ट की फ्रंट नहीं, ये शर्ट के बाजू हैं जी, बहुत प्यारे हैं, बहुत बड़ा खूबसूरत ये सूट है, बहुत खूबसूरत सूट है ये धागे की कढ़ाई के अंदर बारीक ब्लैक स्वीटनेस लग के तो बड़ी खूबसूरत, ये देखें कितनी प्यारी इसकी ना, यूं करते हो तो शाइन आती है, ये देखिए बहुत प्यारा ये सूट है, ठीक है, और ये बाजू के आगे की पट्टी है ये वाली, ये दोनों बाजू के आगे ऐसे ये पट्टी लगती है, आपकी अपनी मर्जी है, टसल लगाना चाहें एक्स्ट्रा कुछ करना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। और ये है इसका फ्रंट, अरे ये तो कलियां कलियां हैं सारी, हाँ जी ये मिडल का पीस है, और ये दोनों साइडों पे ये कलियों वाली है इस तरह करके, ये देखिए, और ये इस तरह बनता है, ये इसकी कलियां हैं, और ये क्या है, ये इसके दामन का पीस है जी, ये इसके दामन का पीस है, और ये इसकी बैक है, ये इसकी बैक है, ठीक है, ये है D12, ये D12 है, बहुत प्यारा सूट है ये, और ये है D4, ये लास्ट वन है D4, ये भी बड़ा प्यारा है, ये भी बहुत खूबसूरत है भाई, मैं तो खोलती नहीं हूँ कपड़े, जब खोलती हूँ तो पता चलता है, वेरी नाइस। ये इसका ट्राउजर है, मैं देख तो लूँ, हाँ जी ये इसका ट्राउजर है, जो चाहता है सारे खुद ही रख लो, ये बहुत खूबसूरत है, प्रिंटेड है, ये देखिए ये इसका ट्राउजर है, और ये इसकी शॉल है, शॉल पूरी तैयार है, इसको कुछ नहीं करना, शॉल पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये देखो ये शॉल पे पल्लू पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, शॉल पूरी तैयार है, इसका कुछ नहीं करना, और ये क्या है जी, हाँ ये इसके बाजू हैं, ये शर्ट के बाजू हैं लिनन के ऊपर ऑफ वाइट में, और ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है, और ये भी पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है फ्रंट पे, उल्टा है ये, अच्छा ये देखिए बहुत खूबसूरत ये सूट है, बहुत प्यारा सूट है ये, जल्दी से ऑर्डर करिए, ये इसके फ्रंट पे बाजू पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये इधर ये हुई है, और मैं देख लूँ इसके आगे क्या लगता है जी, हाँ जी तो ये मैं देख लूँ, हाँ नहीं ये दामन का है बस, ये इतना ही है, डोरी पाइपिंग लग के ये बनेगा, ठीक है, और ये शर्ट का फ्रंट है, बहुत प्यारा सूट है,
बहुत खूबसूरत। ये फ्रंट है और ये दोनों जो ये कलियां सी बनी हुई हैं, ये इधर दोनों साइडों पे, एक इधर लगेगी एक इधर लगेगी, ठीक है, ये इस तरह बनेगा। ये देख लें बहुत प्यारा है। और ये इसका बैक साइड है, ये इसका बैक साइड है, और ये दामन आगे पीछे की ये पट्टी है दामन की, ये वाली, ये है D4। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए। तो मैं नंबर अपना टाइटल में डाल दूंगी, तो जल्दी जल्दी से ऑर्डर करिए। अल्लाह हाफिज़।